हेलो एवरीवन, तो आज मैं जा रही हूँ बालाजी टेलीफिल्म्स प्रोडक्शन हाउस। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि टीवी सीरियल्स के दुनिया में सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस है बालाजी प्रोडक्शन हाउस। बहुत कम लोगों को ये मौका मिलता है कि वो इस प्रोडक्शन हाउस के अंदर जा सके, क्योंकि यहाँ पर ओपन ऑडिशंस नहीं होते हैं, यहाँ पर बहुत ही सिलेक्टिव ऑडिशंस होते हैं। समझ लो कि किसी लीड को फाइनल करना हो तभी यहाँ पर कोई आ सकता है। और मैंने जितने भी बालाजी के शोज़ किए हैं सबके पेमेंट ऑनलाइन ही आते हैं, तो प्रोडक्शन हाउस जाने का कोई सवाल ही नहीं होता है कि हम चेक ले सकें। एंड आई एम फीलिंग वेरी लकी कि मुझे ये मौका मिला कि मैं अंदर जा सकूँ। तो हम आ गए हैं बालाजी प्रोडक्शन हाउस, और यहाँ पर एंट्री करने के बाद अब हम चलते हैं सीधा अंदर। और सामने एंट्री पर ही एक बड़ा मंदिर है जो बहुत ही सुंदर था। तो अगर आपने मेरा रिसेंट ब्लॉग देखा होगा भाग्यलक्ष्मी सीरियल का, तो वही सीरियल मैंने किया था और उसी की डबिंग के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। तो ये डबिंग ऐसा था जो फ़ोन से नहीं हो सकता था और मुझे यहाँ पर आना पड़ा। और आज संडे है इसलिए इस ऑफिस में कोई भी नहीं है। तो 6th फ्लोर पे हमारा डबिंग स्टूडियो है, ये सामने है ऑफिस एरिया, बट यहाँ पे कोई नहीं है फिलहाल, इसलिए पूरा अंधेरा है और फिलहाल समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे जाना किस साइड है। तो इस वे में जब मैं गई तो यहाँ पे स्टेयर्स था, तो समझ गई कि मुझे उस साइड ही जाना है। तो सामने ही डबिंग स्टूडियो है ये। तो अब चलते हैं अंदर। तो स्टूडियो में इस तरह से टीवी लगी हुई रहती है जहाँ पे हमें अपनी लाइंस और सीन्स दिखाई देते हैं, और ये है माइक, और यही साइड में रिकॉर्डर्स बैठे हुए रहते हैं जो हमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं, और ये है मेरा सीन जो मुझे डब करना है। तो यहाँ पे मैं अपना वॉइस सुन के सेम उसी तरह से माइक में रिकॉर्ड करूँगी, और वो वॉइस मेरे हेडफोन्स में आएगा तो आपको यहाँ पर सुनाई नहीं देगा। तो ये कुछ मैंने इस तरह से अपना डबिंग कम्प्लीट किया, आप देख सकते हो। देखो, सब कितना इंजॉय कर रहे हैं। देखो सब कितना एंजॉय कर रहे हैं। चलो हम भी टाइम का सही यूटिलाइज करते हैं। चलो चलो हम भी टाइम का सही यूटिलाइज करें। तो जो मैंने लाइंस डब की हैं, अब ये जो रिकॉर्डिस्ट है वो प्रॉपरली सिंक करेंगे वीडियो के साथ और फिर मेल कर देंगे, और वो वॉइस ऐड हो जाएगा रियल फुटेज में। सो दिस इज़ इट। आई होप आपको मेरा ये क्यूट सा व्लॉग अच्छा लगा हो, और अब जब मेरे पैर पड़ ही गए हैं इस प्रोडक्शन हाउस में, तो आई होप इन फ्यूचर कुछ अच्छा न्यूज़ आए यहाँ से।